विधानसभा हल्का पट्टी के गांव तुत में आसमानी बिजली गिरने से 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पट्टी सब डिवीजन के गांव तुत में ट्यूबवेल के समीप नहाकर खड़े 6 व्यक्तियों पर अचानक से आसमानी बिजली गिर गई। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसमानी बत्ती पैन इन्हों की मौत हुई, 3 बंद 4 बंदे 3-4 होर से भी फटड़ हुए, पर उन्होंने बचाव हो गया। इन्हों की मौत हो गई, मशीन बंद हो गई मीह पैन करके, तो ये ड्राइवर घरे आके नहाने का सीच बच्चे दे लागे गए, तो उत्थे ही मोबाइल से बत्ती पै गई इन्हों, तो इन्हों की मौत हो गई। 3 बंद की मौत हो गई, तो 4 बंदे फटड़ा, संगरूर तो आए मशीन। गलबात की होनी सी रात 7:30 बजे, जो बार सही है उदो असी मशीन बंद करके बाई दी दे घरे जिन्हां दे असी रहिंदे सी उन्हां दे घर आके मशीन रोकिया, ते साडे नूं जिहड़ी दूजी मशीन थी 10-15 मिनट पहलां आ चुकी थी। उह मुंडे नहाउण लग गए, नहा चुके सी असी, जदे नहाउण ते बस कट्ठी खड़े सी चबच्चे लवे, ते जदों असी कपड़े लाउण लगे उह कुदरतों आसमानी बिजली गिरी, सानूं गिरी दा नहीं पता लग्गिया, ते ना सानूं आप दा भी नहीं पता लग्गिया कदों असी गिरे आ कदों सानूं चक्किया, सानूं तां बाद च ही पता लग्गिया। जदों पई तां जी उत्थे 7 जणिआं नूं सीगी, जिहदे विचों 3 दी मौत हो चुकी है, 4 असी 2 नूं नॉर्मल थी, 2 असी बेहोश हो गए थीगे, ते बेहोश होण तां 10-15 मिंटां दा मालस मुलस करी इन्हां ने घरदिआं ने सारे उत्थे जिन्ने भी हैगे मैंबर से, तां करके असी बच गए। इक दा नाम संदीप है जी, इक राजू है जी, इक जसविंदर है। आसमानी बिजली ये किसी का भी कोई कसूर नहीं, कुदरती आफत वाला ना, होर कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ जा बस मन को जान नहीं, नुकसान तो बड़ा होर की नुकसान हो सकता है ये जी। मानसा जिले तो संगरूर तो लेबर के करन वास्ते कणक कट्टन वास्ते गुरलाल सिंह पुत्र हरबंस सिंह वासी पिंड तूत के घर उसकी कणक कट्टन तो बाद शामी वक्त करीब 7:30 बजे कपड़े उतार के नहाने लगे थे। उस टाइम कुदरत वालों इन्हों आसमानी बिजली डिग पई, जिस करके इन्हों की मौके पर मौत हो गई। पर इन्हें कोशिश की भी लाजवाते पट्टी हफ्ता लाया, पर डॉक्टर साहब ने मृतक ऐलान दिता। 3 व्यक्ति, एक दिन जसविंदर सिंह है जी, दूजा संदीप सिंह है, तीजा राजू सिंह है जी। ये 2 मानसा जिले के ने, एक संगरूर जिले के ने जी। ये जी कार्रवाई 175 74 की CRPC तहत अमल में लिया जा रही है।